हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, मकर संक्रांति के दिन हम अपने मायके गए थे एक दिन के लिए, तो यहाँ माता रानी है, तो यहीं हमका नारियल चढ़ाने के लिए आए हैं। और भाभी और बहन है जो भी आई थी, तो वो पहले आ गई थी, मैं बाद में आई हूँ, तो वो लोग पूजा कर चुकी हैं और मेरे साथ आई थी। तो देखिए मेरे पुराने, देखिए ये मेरा पुराना घर है, यहीं हम लोग रहते थे, लेकिन अब जो रोड पर मकान बन गया है तो वहीं भाभी सब लोग रहती हैं। देखिए 3-2 मंजिल का बना हुआ है, और ये सामने देखिए भाभी भी हैं और मेरी बहन है बड़ी वाली, चाचा की लड़की। तो देखिए इधर आए हैं, और इधर एक माता रानी का मंदिर बना हुआ है पुराने में, मतलब पहले यहीं सब लोग पूजा करने के लिए आते। ये बगल में है जो बगल की, तो वो सब लोग आए हैं, तो यहाँ बहुत ही कम आते हैं। तो देखिए ये रोड वाला मकान है, यहाँ तो अब पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ छत पर आ गए थे, धूप निकल आई थी मकर संक्रांति के दिन, और इस सुबह से देखिए सब लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। लड्डू हमारे यहाँ संक्रांति पर बहुत सारे लड्डू बनाए जाते हैं, तो देखिए सब लोग नाश्ता, सेव खुरमी वगैरह ये सब कुछ, मठरी अठरी बनती है, और सब लोग बैठे हुए हैं। और उधर मंगौड़ी, वो मूंग की दाल की मंगौड़ी होती है, तो वो भी बनाई जाती है। और देखिए सम्राट विराट है दोनों, और एक मेरी चाचा की लड़की है, तो उसी की लड़की है मेरी। तो देखिए कितना डांस कर रही हैं, और ये भाभी का लड़का है, तो सब बच्चे एकदम इंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे थे सब लोग। देखिए अंदर बैठे हुए थे, और सम्राट के पापा भी हैं, और मेरी बुआ की लड़की भी आई थी, दीदी लोग भी आई थी, तो वो लोग चली गई थी। ये दूसरे दिन वाला वीडियो है, उस दिन से मैंने फिर कोई वीडियो ही नहीं बना पाया, जब से टाइम ही नहीं मिला डालने का, तो उस मकर संक्रांति वाला ही वीडियो है। और ये देखिए भतीजा है, और ये सब लोग देखिए खाना खा रहे हैं, छत पर बैठे हुए थे, धूप आ गई थी अच्छी, तो सब ने छत पर बैठकर ही खाना खा रहे हैं सब लोग। देखिए पूरी सब्जी और ये लड्डू वगैरह, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सब के यहाँ ही लड्डू बनते हैं, तो चाची के यहाँ खाना खा रहे थे हम लोग। और ये देखिए इधर, उसके बाद फिर मंदिर गए थे हम लोग। तो देखिए आज है संक्रांत, संक्रांत के दिन हम लोग जा रहे हैं घूमने, यहाँ चारों धाम है। सब लोग चिल्लन पार्टी पूरी भर गई है। ये विराट बैठे हुए, विराट बता रहे हो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मंदिर। मंदिर, हाँ, कि तुम काम तनाट जा रहे हैं? काम तनाट, हाँ। तो हमारे घर से, गांव से 2-3 किलोमीटर ही है, जहाँ चारों धाम है, सभी लोग जाते हैं, मेला वगैरह भी लगता है, तो हम लोग जा रहे हैं। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगता है। तो देखिए पहुँच गए हैं मंदिर, और यहाँ काफ़ी बड़ा मंदिर है, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। सम्राट विराट दोनों घंटी बजाने के लिए, भतीजी है जो सम्राट को घंटी बजवा रही है। देखिए कितना अच्छा बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा। देखिए अभी आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अच्छा मंदिर है, काफ़ी आसपास के जो लोग होते हैं वो जानते हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ जब लोग सम्राट के पापा हैं जो नारियल वगैरह लेने के लिए चले गए थे, और ये भतीजा है वही वीडियो बना रहा है। तो देखिए कुत्ते के पीछे ही लगा दिया है उसने वीडियो, और ये हम लोग जा रहे हैं। अब ये भतीजो बुआ की लड़की हैं दोनों, ये लोग भी आई थी, भाभी लोग नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी में एक ही गाड़ी लेकर आए थे, तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं बन पा रहे थे। तो देखिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तब तक वो प्रसाद लेके आ जाएंगे। तो ये भतीजा है वो सबका वीडियो बना रहा है, उसी ने फ़ोन ले लिया था मेरा, तो देखिए वीडियो बनाते जा रहा है। तो ये यहाँ ये बालाजी है, उसके बाद ये छोट बगल में साइड में जो मंदिर है वहाँ कामतानाथ है। इसी प्रकार चारों धाम के दर्शन यहाँ हो जाते हैं, इसीलिए सब लोग यहीं आते हैं, क्योंकि सब जगह जाने से अच्छा है एक ही जगह सबके दर्शन हो जाते हैं। तो देखिए ये हैं कामतानाथ, चित्रकूट में जो कामतानाथ हैं उन्हीं को यहाँ विराजमान किया गया है। तो देखिए कामतानाथ के दर्शन आप लोगों को घर बैठे हो जाएंगे। तो यहाँ नारियल चढ़ाया है, सबसे पहले यहीं नारियल चढ़ा के फिर परिक्रमा करते हुए सभी जगह प्रसाद चढ़ाते हुए हम लोग जाएंगे। उसके बाद आपको पूरा, मतलब मंदिर का पूरा व्यू है जो सारा कुछ दिखाएंगे। देखिए कितना बड़ा मंदिर है, और यहाँ शादी वगैरह भी होती है, मतलब जब सम्मेलन होता है को बहुत सारी लड़कियों की शादी, कोई 51-21 हर साल यहाँ शादी होती है, और मेला भी लगता है।
तो देखिए यहाँ नारियल चढ़ा दिया है, अगरबत्ती भी लगा दी है और पूजा करते हुए सब जगह फिर जाएंगे। तो यहाँ से परिक्रमा करते हुए हम लोग देखिए सीधे पूरा परिक्रमा है जो पूरा वहाँ करते हुए फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो देखिए यहाँ सभी माता भगवान सब जगह हैं, जगदीश जी, राधा कृष्ण और ये देखिए शीतला माता हैं ये, और आगे हैं सीता जी, रुक्मणी जी, राम जी, सभी हैं। देखिए कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है और पूरा ऊपर तक मतलब लिखा हुआ है, ये देखिए जगदीश स्वामी और ये देखिए इधर बद्रीनाथ जी हैं। तो हर जगह के मतलब भगवान हैं, इसीलिए यहाँ चारों धाम कहा जाता है कि ये चारों धाम हैं, क्योंकि जहाँ चारों धाम में दर्शन भगवान के सब होते हैं, सारा दर्शन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो देखिए ये तिलेरा में है, हमारे गांव से थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर पड़ता है, तो वहीं हैं। और देखिए श्री कृष्ण भगवान जी हैं और इधर साइड में ही राधा रानी और रुक्मणी जी, सीता जी का भी मंदिर है। तो देखिए बाहर निकल के आ गए हैं इधर, तो उसके बाद फिर एक कुआं है, तो ये कुआं का कहते हैं कि वहाँ कभी उसका जल खाली नहीं। और देखिए ये आ गए हैं यहाँ के जो स्वामी जी हैं, तो उन्होंने यहाँ समाधि ले रखी थी, तो उन्हीं का यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। स्वामी जी थे, मैंने भी इनको देखा है, तो जो यहीं समा गए हैं, तो उनकी मूर्ति यहीं बन गई है। देखिए दिगंबर केशवानंद जी गिरी हैं और यहाँ देखिए भाई वो भतीजा फ़ोन लिया था तो इतना हिला रहा था, तो साफ से नहीं देख पा रहा है, क्योंकि फ़ोन लेकर वो इधर उधर भाग रहा था, तो साफ से नहीं हुआ है। और इधर से देखिए परिक्रमा करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे, और मेरी भतीजी को उसने इसमें मंदिर में बंद कर दिया था, तो उसको देखिए वो बहुत मतलब परेशान कर रहा था, बच्चे सब इकट्ठा थे, बच्चे ही बच्चे थे सब, तो बहुत मतलब शैतान भी कर रहे थे। देखिए इसको मंदिर में बंद कर दिया था उसने, और सब लोग बाहर निकल आए हैं, तो बेचारी परेशान हो गए थे। उसके बाद देखिए परिक्रमा करते हुए यहाँ एक कुआं भी है, तो कुआं की भी वीडियो बनाने चला गया। एक कुआं है यहाँ का, कभी भी पानी खाली नहीं होता है, चाहे जितना भी सूखा पड़े, कहते यहाँ का पानी कभी खाली नहीं होता है, तो उसी का वो वीडियो बनाने के लिए इधर चला गया। और तब तक हम लोग परिक्रमा करने के लिए आगे निकल गए थे। और देखिए ये भी भगवान है, ऊपर लिखा हुआ है सबका, लेकिन उसने ऊपर से नहीं वीडियो बनाया है। और फिर आगे हम लोग यहाँ वैष्णो देवी मंदिर भी है, देखिए साइड में अभी दिखाएंगे, वहाँ वैष्णो देवी भी है, तो वहाँ का हम लोग प्रसाद चढ़ाते हुए वही फ़ोन लिया था, तो वो सब जगह का बनाते हुए जा रहा था। तो देखिए ये आ गए हम लोग वैष्णो देवी के यहाँ। उसके बाद फिर गणेश जी की प्रतिमा है बहुत बड़ी, देखिए लिखा है वैष्णो देवी माता जी। और उस देखिए उसके बाद फिर इधर अंदर एक गणेश जी, बड़े से गणेश जी, शंकर जी, इकट्ठा पूरा मंदिर, यहाँ बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, यहाँ यज्ञ भी होता है, बहुत यज्ञ होते हैं। और वो देखिए गणेश जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है, और यहीं शंकर जी की भी बनी हुई है, और ये सब बच्चे भी यहीं देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये पूरा अकेले, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, हम लोग थोड़ा लेट आए थे, 12-1 बज गया था तब हम लोग आए थे। देखिए मंदिर कितना बड़ा है, और अच्छे व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ, देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली लगी हुई है, तो देखिए मंदिर का। उसके बाद देखिए हम लोग आ गए हैं वापस। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और जो हम लोगों ने वहाँ फ़ोटो क्लिक की हैं तो वो भी शेयर की हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मेरा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।